फ्रेंड्स एंड वेलकम टू श्री फॉर सिविल सर्विसेज। मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके हम डिस्कस कर रहे थे और उस सीरीज़ में हमारा 15th लेक्चर है, प्लस हमारा एमपी हम डिस्कस एमपी की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। तो ये उस सीरीज़ में चार लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और ये पांचवा लेक्चर है हमारा। चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे कुछ पेड कोर्सेज के बारे में, जो कि UPSC MPPSC BPSC प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन के लिए हैं। आप इन्हें दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो नोटिफिकेशन के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे एमपी के फॉरेस्ट के बारे में। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सारी लेक्चर्स की स्लाइड आपको कंबाइंड रूप से मिल जाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। फॉरेस्ट ऑफ एमपी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक। तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट जो होते हैं 1/3 एरिया आपका पूरे अर्थ का कंबाइन करते हैं। 1/3 ऑफ एरिया में आपके पूरे फॉरेस्ट लाई करते हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स देखा जाएगा फॉरेस्ट का। और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसमें इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में टीक जो है उसके फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो स्टेट फर्नीचर के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा उसके इकोनॉमिक रेलेवेंस होगा और क्या कहते हैं उसे एक्सपोर्ट करके वो काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकता है। तो आपके एक इकोनॉमिक रोल प्ले ही करता है, प्लस सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, आपकी सॉइल की उपजाऊ जो है वो उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ाता है फॉरेस्ट आपका। सॉइल इरोजन रिड्यूस करता है आपका सॉइल इरोजन, प्लस आपका क्लीन एयर प्रोवाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के सिनेरियो में फॉरेस्ट की क्या रिलेवेंस है। गाँव जाते हैं तो कैसे ठंडा ठंडा लगने लगता है, वैसे ही वेल्थ के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, फॉरेस्ट वेल्थ के परस्पेक्टिव से, तो एमपी का बहुत बहुत ही ब्लेस्ड स्टेट कहा जाता है, उसे वरदानित है फॉरेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है ना मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक। एंडाउड विद रिच एंड डाइवर्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बहुत रिच और डाइवर्स विस्तृत तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक। फॉरेस्ट आर बीन कंजर्व थ्रू इनोवेटिव मेजर्स, कुछ इनोवेटिव मेजर्स से फॉरेस्ट कंजर्व किए जाते हैं वहाँ पे, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, ये सब 15,228 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं मध्य प्रदेश में। तभी तो इतना लंबा चौड़ा फॉरेस्ट एरिया है, कंजर्वेशन प्लस ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके जो सेक्रेड ग्रूव्स की जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, सेक्रेड ग्रूव्स ट्राइब्स बहुत ज़्यादा पेड़ कंजर्व करती हैं। तो जो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंडर में फॉरेस्ट जो है बहुत ढेर सारे कंजर्व हैं, क्योंकि ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। और 70% फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इन 15,228 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ के थ्रू किया जाता है, प्लस एफर्ट्स भी टेकन लिए जा रहे हैं ताकि सिस्टमैटिक मैनेजमेंट हो फॉरेस्ट का, प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन जो होता है फॉरेस्ट का, उसके सिस्टमैटिक मैनेजमेंट का एक वो हो, ताकि उसके लिए एफर्ट भी लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या है, जैसे नेचुरलाइज्ड प्रोडक्ट्स आपका तेंदू लीव्स हो गए जो बीड़ी बनाने के लिए काम में आती हैं, साल सीड हो गई, कुल्लू गम हो गया आपका, ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इन सबकी, तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ठीक। अब फॉरेस्ट एरिया जो है एमपी का, जो ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 9.38% ज्योग्राफिकल एरिया जो है एमपी का 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, हमने देखा था सबसे पहली स्लाइड में, जो कि 9.38% है लैंड एरिया है कंट्री का, ठीक। फॉरेस्ट एरिया आपका स्टेट का कितना है, अबाउट 95,000 स्क्वायर किलोमीटर। सो यू कैन कंपेयर दैट आउट ऑफ 3,08,250 स्क्वायर किलोमीटर, 95,000 स्क्वायर किलोमीटर कंस्टिट्यूट द फॉरेस्ट एरिया ऑफ एमपी। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ फॉरेस्ट इन एमपी। एंड अबाउट 30.9% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, मतलब 95,000 स्क्वायर किलोमीटर तो है ही, प्लस 30.9% है वो आपका स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का स्टेट, एंड अबाउट 12% ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री, 12% है फॉरेस्ट एरिया कंट्री के, 12% है। तो ये मैंशनड है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, कि एमपी जो है उसमें 95,000 स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट है, जो कि आपका 30.9% आपका एरिया का ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है एमपी के, प्लस 12% फॉरेस्ट कवर आपका है पूरे कंट्री का, पूरे इंडिया के 12% फॉरेस्ट कवर जो है एमपी में पाए जाते हैं। लीगली दिस एरिया हैज़ बीन क्लासिफाइड एज थ्री टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तीन तरीके के फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक। रिजर्व फॉरेस्ट कितना कंस्टिट्यूट करता है आपका, 61.65% आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, प्लस आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 37.3% है, प्लस आपका 1.05 जो है वो परसेंटेज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। फिर से देखेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट 61.65% है आपका, ठीक, 37.3% है आपका
ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है आपका, प्लस 1.05% आपका अनप्रोटेक्टेड फार्मर्स या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है आपका, ठीक, फार्मर्स नहीं फॉरेस्ट सॉरी। तो और पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कितना है, 0.16 हेक्टेयर आपका पर कैपिटा फॉरेस्ट आपका एरिया है, जो कि नेशनल एवरेज जो है 0.07 हेक्टेयर से बहुत ज़्यादा है, 0.07 हेक्टेयर है आपका नेशनल। तो पूछ लेगा कि पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर क्या है मध्य प्रदेश का, 0.16 हेक्टेयर है और नेशनल एवरेज क्या है, 0.07 हेक्टेयर। तो ये दो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और देखते हैं फॉरेस्ट बेल्ट्स इन मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक, मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट बेल्ट्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से बेल्ट्स में जो है फॉरेस्ट लाई करते हैं, कौन कौन से रीजन्स में फॉरेस्ट लाई करते हैं। तो 3 मेजर फॉरेस्ट बेल्ट्स हैं आपकी एमपी में, 3 मेजर फॉरेस्ट बेल्ट हैं, ठीक, और जो कि डेंसिटी के और स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है। पहला आपका कौन सा है, विंध्या कैमूर फॉरेस्ट बेल्ट, आपका विंध्या और कैमूर रेंजेस में जो फॉरेस्ट बेल्ट लाई करती है वो ये है। तो दिस बेल्ट इज स्प्रेड ओवर दामोह सागर प्लेट्यू के ऊपर स्प्रेड है। रेयर फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत ही यूनिक टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खासियत है विंध्या कैमूर रेंज ऑफ फॉरेस्ट बेल्ट की, कि दामोह सागर प्लेट्यू के रीजन में स्प्रेड है, प्लस आपका रेयर फॉरेस्ट टाइप ऑफ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ का देखने लायक है। आपका दूसरा क्या है, मोरेना एंड शिवपुरी प्लेट्यू बेल्ट, आपका मोरेना और शिवपुरी प्लेट्यू बेल्ट है आपकी दूसरी। यहाँ पे थॉर्न वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक, मेजॉरिटी ऑफ थॉर्न वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका थॉर्न वेजिटेशन पाई जाती है। और तीसरा क्या है, अब्रॉड बेल्ट इन साउथ ऑफ नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में एक चौड़ी सी पट्टी है, तो उसी को बताया गया है आपका, क्या कहते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, कवर्स सतपुरा मैकाल रेंजेस एंड बाघेलकंड प्लेट्यू, आपका सतपुरा मैकाल रेंजेस और बाघेलकंड प्लेट्यू जो है कवर करती है। तो हमने देखा 3 तरीके के फॉरेस्ट बेल्ट्स हैं, पहला विंध्या कैमूर फॉरेस्ट बेल्ट आपकी, जो कि दामोह सागर प्लेट्यू के रीजन में स्प्रेड है और रेयर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मोरेना और शिवपुरी बेल्ट जहाँ पे आपके थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं मेजॉरिटी, और ब्रॉड बेल्ट है आपकी साउथ ऑफ नर्मदा में जहाँ पे सतपुरा मैकाल रेंज और बाघेलखंड प्लेट्यू पाए जाते हैं। तो ये 3 आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्लासिफिकेशन कैसे किए गए हैं फॉरेस्ट के मध्य प्रदेश में, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मध्य प्रदेश में कैसे हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के कंट्रोल बेसिस पे जो किया गया है वो हम देखेंगे पहले, जिसमें के अंदर 3 कैटेगरी आती है। तो मतलब प्रशासनिक जो कंट्रोल होता है उसके आधार पर जो फॉरेस्ट क्लासीफाई किया जाता है, 3 तरीके। सबसे पहले हमने देखा, इससे पहले वाली जो स्लाइड में देखा तो वही है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो कि 37.3% है। ये क्या है, मैनेज्ड अंडर स्टेट सुपरविजन, स्टेट की देखरेख में मैनेज किए जाते हैं। मतलब स्टेट देखता है कि कौन से इसमें मतलब कि क्या कमी है, क्या चीज़ चाहिए, खाद पानी जो सब लगाए जाते हैं वो सब, वो उसके वर्कर्स जो हैं वो सब देखते हैं, उसके माली वाली जो हैं सब काम करते हैं, प्लस मैनेजमेंट पूरा स्टेट देखता है, ठीक। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में मूवमेंट अलाउ है, ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज पनिशेबल, अगर किसी फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं ना, लगे आम तोड़ने और लगे वो काटने, तो फिर आपको उठा के ले जाएगा और बंद कर देगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, याद रखिएगा। तो हमने बताया कि अगर आप फॉरेस्ट को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, कुछ भी अगर डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट का करेंगे, पत्ती पत्ता आम वम तोड़ेंगे या डाली वाली काटेंगे, उठा के आपको जेल में बंद कर देगा, पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होता कि अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होता, थोड़ा लीनियंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल यहाँ पे, तो ये देखने वाला फैक्ट है आपका। एनिमल की ग्रेजिंग अलाउ कर देते हैं, ठीक, एनिमल आए हैं आचर्य हो रहे हैं अपना खाए पिए हो जाके दूध दें, तो ये अलाउ है आपका, एनिमल ग्रेजिंग अलाउ की गई है यहाँ पे, ठीक। प्लस क्या आपका, पीपल लिविंग इनसाइड द एरिया कैन कट ट्री इन स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन के अधीन जो है परमिशन दिया गया है पीपल्स को, जो कि इस एरिया के अंडर रहते हैं, तो ट्रीज कट कर सकते हैं, ठीक, प्रायर परमिशन लेना कंपलसरी। तो क्या क्या देखा हमने, 37.3% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपके लाई करते हैं, कौन से स्टेट मैनेज किए जाते हैं, स्टेट सुपरविजन के अंडर में, और मूवमेंट अलाउ है पीपल की, डिस्ट्रक्शन लेकिन पनिशेबल है आपका, एनिमल ग्रेजिंग अलाउ की जाती है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, और जो पीपल इनके अंदर लेते हैं, पीपल लिविंग इनसाइड एरिया, ट्री कट कर सकते हैं लेकिन प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है फॉरेस्ट जो ऑफिसर होते हैं उनकी पहले से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक। दूसरा आपका आता है रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि 61.65% एरियाज में लाई करता है। इन रिजर्व फॉरेस्ट मूवमेंट ग्रेजिंग वुड कटिंग आर पनिशेबल ऑफेंसेस, ठीक, मूवमेंट ग्रेजिंग वुड कटिंग आर ये सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, नहीं की जा सकती यहाँ पे, मूवमेंट भी नहीं, ग्रेजिंग भी नहीं, वुड कटिंग भी नहीं, सब पनिशेबल। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल वेरी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बहुत ही टफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। और उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट देख लिया हमने कि मूवमेंट अलाउ नहीं है, ग्रेजिंग भी नहीं अलाउ है, वुड कटिंग भी नहीं अलाउ है, सारे पनिशेबल ऑफेंस हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं आपके, ठीक। अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट जो है आपके 1.05% लाई करते हैं, ये इसमें लेस एडमिनिस्ट्रेटिव अट्रैक्शन ग्रेजिंग अलाउड ट्रीज आर ऑल्सो भी कट। अब ये अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट है, मतलब ना ही रिजर्व है ना ही प्रोटेक्टेड है, कोई कैटेगराइजर नहीं है, तो एक 1.05% है ही, वैसे ही कम है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अट्रैक्शन कोई नहीं है, कोई देखने नहीं जाता कि जाए जाए जो भी हो करो जो करना है। ग्रेजिंग अलाउ करते हो, चारागाह जिसे कहा जाता है वो आपका होता है, प्लस फॉरेस्ट यहाँ पे काटे भी जा सकते हैं। तो ये तीन देखा हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो हमने डिवीजन देखा वो तीन तरीके का देखा हमने, आपका प्रोटेक्टेड, रिजर्व और अनक्लासीफाइड, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं और क्या है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रीज, अब ट्रीज के क्लासिफिकेशन देखा, टाइप्स ऑफ ट्री के बेस पे देखा जाए तो कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ठीक। आपका टीक फॉरेस्ट होता है सबसे पहले, ठीक। कहाँ कहाँ लाई करता है, टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झबुआ, धर, खंडवा, और कवरिंग 17.8% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया यूज फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, ठीक। तो 17.8% जो है आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया का वो जो कवर करते हैं आप पूरे फॉरेस्ट एरिया का, 17.8% जो है टीक फॉरेस्ट है, और टीक वुड जो है वो बिल्डिंग पर्पसेस की चीज़ होती है, प्लस फर्नीचर के लिए होती है क्योंकि लाइट होती है और स्ट्रांग होती है और जो है वो बहुत दिन तक चलती है, ठीक। तो बहुत डिमांडिंग होती है होल कंट्री में, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर टीक फॉरेस्ट के बारे में कि जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झबुआ, धर, खंडवा, इन एरियाज लाई करती है, प्लस 17.8% टोटल फॉरेस्ट एरिया का होता है, सॉरी कंस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्ट का आपका जो बिल्डिंग पर्पजेज फर्नीचर के लिए बहुत यूजफुल होती है क्योंकि लाइट होती है, स्ट्रांग होती है और बहुत दिन तक चलती है। दूसरा आपका इसके अंडर में आता है साल फॉरेस्ट, ये आपका हम टाइप्स ऑफ ट्रीज के आधार पर देख रहे हैं। तो साल फॉरेस्ट किस लिए होता है, मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, जो ट्रेन का जो स्लीपर होता है ना, जो गद्दियाँ होती हैं, जो सीट बनती हैं ऊपर जो सोने वाली, वो जो है वो साल फॉरेस्ट से बनाए जाते हैं, ठीक। मेन साल रीजन कहाँ है, एमपी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मांडला में, बालाघाट, उमरिया, सिद्धी, शाहडोल, कहाँ कहाँ एमपी में, मांडला, बालाघाट, उमरिया, सिद्धी और शाहडोल, इस रीजन में आपके पाए जाते हैं। 16.54% हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया के, ठीक। टोटल फॉरेस्ट एरिया का 16.54% जो है आपका वो सॉल फॉरेस्ट है, इससे पहले वाला कितना था 17.8%। तो फिर से मांडला, बालाघाट, उमरिया, सिद्धी, शाहडोल, मांडला, बालाघाट, उमरिया, सिद्धी, शाहडोल रेलवे स्लीपर्स के लिए यूज होता है, ठीक। और तीसरा आपका है मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट आपका, दिस फॉरेस्ट कंप्राइज ट्रीज सच एज साज, धावरा, लडिया, बीजा, तेंदुआ, महुआ, बम्बू, बैम्बू जिसे कहा जाता है आप, पलश, बबूल, सनई, अंजन, हर्रा, ये आपके ट्रीज के नाम हैं। साज, धावरा, लडिया, बीजा, तेंदुआ, महुआ, बम्बू, बैम्बू जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, पलश, बबूल, सनई, अंजल, हर्रा, ये आपके क्या कहते हैं कि बैम्बू आपका बांस का ट्री होता है, ये आपके इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं सॉरी डेसिडियस में। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, होशंगाबाद में, बालाघाट, मांडला, छिंदवाड़ा, फिर से होशंगाबाद, बालाघाट, मांडला, छिंदवाड़ा। तो क्या देखा हमने, मिक्स्ड फॉरेस्ट में ये आपके ट्रीज पाए जाते हैं, प्लस होशंगाबाद, बालाघाट, मांडला और छिंदवाड़ा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन जो था ना टाइप्स ऑफ ट्रीज के बेसिस पे था, ठीक। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका देखेंगे हम जो कि क्लाइमेट के बेसिस पे है, ये आपका क्लाइमेट के बेसिस पे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है, इसे हम देखेंगे। तो एमपी में सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, पहले ही हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, फिर से नोट कर लीजिएगा, सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। और इसके आगे अगर हम जाएं तो देखें कि कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल है, डेसिड्यूस है, फॉरेस्ट है, तीनों है, ठीक। 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ पे होता है ना वो इसी एरियाज में पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ऑफ ऑन एरियाज रिसीविंग एनुअल रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर का जो एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल अगर होगा तो वहाँ पर ये आपका फॉरेस्ट पाया जाता है। और लीव्स अपनी शेड करती हैं ड्यूरिंग समर्स, अपनी लीव्स जो हैं शेड कर देती हैं समर्स में क्योंकि वाटर की शॉर्टेज रहती है यहाँ पे, ठीक। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर गुड क्वालिटी जो हार्डवुड पाई जाती हैं इसमें, हार्डवुड जो होती हैं बहुत गुड क्वालिटी की होती हैं। और इन ट्रीज कौन कौन से इंक्लूड करते हैं, टीक, शीशम, सॉरी नीम और पीपल। तो टीक, शीशम, नीम और पीपल ये आपके चार जो हैं इन तरीके के जो ट्रीज, और भी ट्रीज पाए जाते हैं लेकिन ये मेजर हैं। और उसके बाद मेजर रीजन्स कौन कौन से जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आपकी सागर है,
झबुआ है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, दामोह है, छतरपुर है, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद। फिर से देखेंगे, सागर है, झबुआ है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, दामोह है, छतरपुर है, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखा हमने क्या क्या कि 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में एरिया में पाए जाते हैं, लीव शेड करते हैं, समर्स में लैक ऑफ वाटर के कारण गुड क्वालिटी हार्डवुड पाई जाती है, टीक, शीशम, पीपल और ये सब इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं, प्लस इन एरियाज में पाई जाती है आपकी। ठीक, दूसरा आपका है ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि 100 से 150 सेंटीमीटर के रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है आपका। ठीक, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि 100 से 150 सेंटीमीटर के रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है। आपका मेन ट्रीज कौन कौन से हैं इसमें, बीजा है, ठीक, दुर्भौरा है, जामुन है, महुआ है, सेंजा है, हरधर्रा है और तिंदसा है आपका। कौन कौन सा, आपका बीजा, भरुआ, भौरा, सॉरी, जामुन, महुआ, सेंजा, हर्रा, टिंडसा और इम्पॉर्टेंट मेन ट्रीज में। और इसके बाद टीक, सैल, बैम्बू, ये सब कॉमन है दोनों में। टीक, सैल और बैम्बू कहाँ कहाँ पाया जाता है, बालाघाट, मांडला, सिद्धि और शाडोल। कहाँ कहाँ पे, बालाघाट, मांडला, सिद्धि और शाडोल में। तो ये देखें, हम फिर से रिवाइज करें तो सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट आपका है 100 से 150 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल यहाँ पे होता है। मेन ट्रीज आपके बीजा, बौरा, जामुन, महुआ, सेंजा, हर्रा, टिंडसा, टीक, सैल, बैम्बू है। बालाघाट, मांडला और सिद्धि और शाडोल, चार जिले में आपका पाया जाता है, बालाघाट, मांडला, सिद्धि और शाडोल, ये चार डिस्ट्रिक्ट में आपके पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर रेनफॉल जो है 25 से 75 सेंटीमीटर ही होता है सिर्फ, तो रेनफॉल यहाँ पे कम होता है। इससे पहले वाले में कितना था, 150 से 100 था, ये 100 से 150 और 25 से 75। ठीक, ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं आपके, हर्रा, कीकड़, बबूल और पलश। हल्ला, कीकड़, बबूल और पलश कांटेदार होते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, एक तरीके से मॉडिफिकेशन किया पाया जाता है यहाँ पे। मेन रीजन कौन कौन से, शिवपुरी, शिवपुर, रतलाम, मंडसौर, नीमूच, दातिया, ग्वालियर और खारगोन। कौन कौन से मेन रीजन्स आपकी, शिवपुरी, शिवपुर, रतलाम, मंडसौर, नीमूच, दातिया, ग्वालियर और खारगोन। शिवपुरी, फिर शिवपुर है, फिर रतलाम है, फिर मंडसौर है, नीमूच है, दातिया है, ग्वालियर है, खारगोन है। ठीक, तो क्या देखा हमने, 25 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। हर्रा, कीकड़, बबूल, पलाश आपका मेन प्लांट्स हैं आपके, आपके ट्रीज हैं और रीजन आपकी ये है जो हमने पहले डिस्कस कर ली। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिस्कस करना है हमें, वो है फॉरेस्ट सर्किल्स। जो फॉरेस्ट के क्षेत्र जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं ना आपके, वैसे ही फॉरेस्ट भी डिवीजन होते हैं, तो उसमें जो रीजन है वो आपका फॉरेस्ट सर्किल कहलाता है। ठीक, तो 16 आपके मध्य प्रदेश जो है ना, 16 फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्किल्स में डिवाइडेड है, 6 फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्किल्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है वो फॉरेस्ट सर्किल का, वो फॉरेस्ट कंजर्वेटर होता है, जो कि एक IFS ऑफिसर, इंडियन IFOS कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाला ऑफिसर होता है आपका, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव होता है चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो होता है वो आपका PCS होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं उसे, दूसरा पद जो होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्किल हैविंग हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट कौन से सर्किल में है आपका, खंडवा में है, और लोएस्ट कहाँ पे है, उज्जैन में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा आपसे कि सर्किल हैविंग हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है, खंडवा में, और सर्किल हैविंग लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है, उज्जैन में। ठीक, और नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट डिविजन के बारे में आते हैं, जो फॉरेस्ट मंडल होते हैं आपके। तो सर्किल जो है वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं किसमें, डिविजन्स में। ठीक, तो सबसे पहले आपका सर्किल आता है, फिर डिवीजन्स आते हैं। ठीक, तो फॉरेस्ट डिवीजन कितने हैं आपके, सर्किल हमने देखे 16 थे, फॉरेस्ट डिवीजन टोटल 62 हैं, 62 साफ फॉरेस्ट डिवीजन है। अब फॉरेस्ट सर्किल हैज टू और मोर डिवीजन्स। ठीक, एक फॉरेस्ट सर्किल में दो से ज़्यादा, दो और उससे ज़्यादा डिवीजन्स हो सकते हैं। ठीक, और विथ अ डिविजनल ऑफिसर एट इज है, उसका ऑफिसर जो हेड होता है ना वो एक डिविजनल ऑफिसर होता है। ठीक, 62, टू और मोर डिवीजन, डिविजनल ऑफिसर हेड होता है। मांडला जो है ना लार्जेस्ट डिवीजन एंड इट इज़ पार्ट ऑफ जबलपुर सर्किल। जबलपुर सर्किल का पार्ट है मांडला और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिवीजन है। लार्जेस्ट हमने सर्किल देखा था कौन सा था, वो आपका हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट वाला सर्किल खंडवा और लोएस्ट वाला उज्जैन था। लार्जेस्ट आपका डिवीजन जो है वो मांडला है, जो कि जबलपुर सर्किल में लाइक करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी, 16 फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को फॉरेस्ट कंजर्वेटर कहा जाता है, और ये देखा हमने 62 फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं जबलपुर, और आपका ये सारे फैक्ट हमने देखे। आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के बारे में, देखते हैं ये क्या है आपका। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड है, वो एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में ये कंपनी बनाई गई है। 24 जुलाई 1975 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, राज्य वन के, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि राज्य का जो मतलब मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट है उसके वन, मतलब फॉरेस्ट के जो डेवलपमेंट के लिए विभाग जो बनाया गया है वो है आपका ये नियम।
विजन क्या है इसका, सप्लीमेंट करना क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एनरिचिंग ट्री कवर, फॉरेस्ट मतलब आप ट्री कवर को इंक्रीज करने के लिए, प्लस इम्प्रूवमेंट करना किसके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पीपल के एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरियाज में जो रहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया है तो इसके अराउंड जो पीपल रहते हैं इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, ये वन फॉरेस्ट निगम का मिशन है, ठीक, राज्य फॉरेस्ट निगम का। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, एक्सेलरेट करिए क्या, एक्सेलरेट एंड इंक्रीज फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन का क्या कहते हैं आपका एक्सेलरेशन, प्लस उनका इंक्रीज करना, स्पीशी ऑफ हायर इकोनॉमिक वैल्यू को ग्रो करता, हायर इकोनॉमिक वैल्यू की स्पीशीज को ग्रो करना, ठीक, तो वो इंपॉर्टेंट है आपका। प्लस आपका फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ लगाइए, स्पीशीज़ कैपेबल ऑफ डाइवर्सिफाइड यूज़ जो हैं वो भी उसकी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, और प्रोडक्टिविटी बढ़ा के क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को भी बढ़ाना, ये आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका किसका, ये MP राज्य वन विकास निगम का। तो क्या क्या देखा हमने, ये कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया है 24 जुलाई 1975 और इसका पर्पज़ है कि फॉरेस्ट कवर को एनरिच करना, प्लस स्टेट की जो फॉरेस्ट कवर के अराउंड एरिया मतलब पीपल रहते हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉरेस्ट कवर की फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करना, स्पीच वो किस तरीके से हायर इकोनॉमिक वैल्यू वाली स्पीशीज के थ्रू फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ को, प्लस कैपेबल डाइवर्सिफाइड स्पीशी को जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प कर सके, प्लस इनहेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ा के बाय इंपोजिंग फॉरेस्ट इंटेंसिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंटेंसिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इनहेंस करके, ठीक, और टू एनकरेज ग्रोइंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट संजीवनी इंस्टीट्यूट, एक मतलब मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करने के लिए एक संजीवनी इंस्टीट्यूट बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, पूछा जा सकता है, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ये किस लिए, मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ को मतलब प्रमोट करने के लिए आपका संजीवनी इंस्टीट्यूट बनाया गया है मध्य प्रदेश में, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। चलते हैं आगे, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि लाइफ अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द प्रो व्हाट आर द चीफ फंक्शन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 2005 और विल इट बी एबल टू कवर कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंजिंग क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज इन मध्य प्रदेश, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी मध्य प्रदेश की कब आई थी, 1952 में आई थी, ठीक। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आपकी आई 4 अप्रैल 2005 को, डेट भी पूछ सकता है तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 2005 को नई फॉरेस्ट पॉलिसी आपकी आती है, ठीक। मेन एम है न्यू पॉलिसी का मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किस लिए, कंजर्वेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट के लिए, जिसको इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल सोशल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज की तरह स्टेट के यूज़ किया जा सके। तो फिर से देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज को यूज़ करके फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूज़ जो है आपका, ये फॉरेस्ट पॉलिसी का आपका एम है, ठीक। प्लस द एम इज़ ऑल्सो टू अचीव अबव इन सच अवे, तो कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ की नीड्स को हर्ट ना करें, जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं कम्युनिटीज़, जाके अब ट्राइब्स ऑफिस हैं, इनके हितों का जो है वो टकराव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और इनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, किसी का भी जो है वो बुरा ना हो सके, तो ये आपके फॉरेस्ट पॉलिसी का एम है, ठीक। सॉरी, तो आगे चलें और देखें हाईलाइट्स क्या क्या हैं स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी की। तो पहली आपका पॉइंट है, एक्सपैंड फॉरेस्ट ट्री कवर एरिया टू मेक इट 1/3 ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो फॉरेस्ट ट्री कवर एरिया को 1/3 बढ़ाइए ताकि ज्योग्राफिकल एरिया का 1/3 हो जाए, ठीक, फॉरेस्ट ट्री को आपके कवर करिए। तो देखा हमने कि आपका जो एक्सपैंड करिए मतलब कि ये आपका 1/3 फॉरेस्ट कवर जो है ज्योग्राफिकल एरिया का होना चाहिए, इस तरीके से फॉरेस्ट का एक्सपेंशन हो कि फॉरेस्ट कवर जो है 1/3 एरिया हो ज्योग्राफिकल एरिया, आपके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1/3 परसेंटेज जो हो, 1/3 जो कवर हो वो फॉरेस्ट एरिया में, ठीक। क्या इंश्योर करना, स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी इंश्योर करना, प्लस सॉरी फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को यूज़ करना, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्लस सस्टेनेबल फॉरेस्ट, जो सस्टेनेबल आपकी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, सतत आपका जो होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट उसे इंश्योर करना, ताकि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ फॉर्म दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, रिसोर्सेज का इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए आपको, ताकि क्या कहते हैं कि उसका प्रेजेंट जनरेशन हम भी यूज़ कर सके, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसे यूज़ कर सके, तो ये आप इसका फंक्शन होता है आपका। प्लस तीसरा पर्सन इसका तीसरा जो इनिशिएटिव है आपका, हाईलाइट है आपकी स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी की, वो क्या है, ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ टिम्बर, टिम्बर के यूज़ को ऑप्टिमाइज करना, फ्यूअल वुड, बैम्बू, फॉडर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, इनको ऑप्टिमाइज करना, इनके यूजेस को, प्लस
प्रोडक्शन इनका मैक्सिमाइज करना और फॉरेस्ट बेस्ड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना, तो डिपेंडेंट फैमिलीज को फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, यूज़ ऑफ टिम्बर, फ्यूल वुड, बैम्बू, फॉडर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्रिएट करना। ठीक, तो क्या था, फॉरेस्ट जो ऑप्टिमाइज, इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए कि सबको बेनिफिट करे, आपके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं टिम्बर, फ्यूल वुड, बैम्बू, फॉडर, वो ऐसे, और प्लस आपका फॉरेस्ट बेस्ड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है कि मान लीजिए जो उनसे जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है इनसे इनको प्रोसेस करके ढेर सारी चीज़ें बनाना और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट, और नेक्स्ट कंपोनेंट आपका ईयर मार्क 10% ऑफ फॉरेस्ट एरिया अंडर इंटेंसिव मैनेजमेंट, 10% फॉरेस्ट एरिया का उसको इंटेंसिव मैनेजमेंट के अंदर आपको साइडलाइन कर दिया जाए, प्लस ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए 10% आपका फॉरेस्ट एरिया अंडर इंटेंसिव मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिमांड सप्लाई गैप, जो टिम्बर की डिमांड सप्लाई गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए 10% सिर्फ टिम्बर कल्टिवेशन के लिए फॉरेस्ट एरिया को आपका साइडलाइन कर दिया जाए। ठीक, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट गुड्स, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट ग्रुप्स के मतलब जो फॉरेस्ट गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन को क्या कहते हैं कि बढ़ावा देना। ठीक, प्लस क्या कहते हैं कि आपका हर्बल मेडिसिंस के लिए यूज़ करना फॉरेस्ट का, मेकिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ बेटर, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना, प्लस क्या कहते हैं कि प्रमोट एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री मतलब क्या कहते हैं कि वो प्रमोट करना आपको, तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री जो होती है ना ढेर सारी मतलब जो फॉरेस्ट टेक्निक होते हैं, हॉर्टिकल्चर होगी, एपिकल्चर होगी आपकी, और भी पिसी कल्चर और ये ढेर सारी जो कल्चर है ना इन्हें फॉरेस्ट्री मतलब जो एग्रीकल्चर होता है उसी को पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसी की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको एक्सटेंशन दिया जाए, तो वो एक तरीके से आपकी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहा जाता है, तो उसे प्रमोट करने का एक आपका इनिशिएटिव है स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर। ठीक, प्लस आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया, प्रमोटिंग प्लांटेशन ऑफ बैम्बू, तो बैम्बू प्लांटेशन के लिए भी आपको क्या कहते हैं प्रोविज़न किया गया है आपका न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर। बैम्बू प्लांटेशन जो होता है बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और बहुत ही रिसोर्सफुल होता है, बहुत ही इकोनॉमिकली बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो वो एक आप इंपॉर्टेंट है। एंश्योरिंग बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड प्राइवेट एरियाज़, रिवेन्यू और प्राइवेट एरियाज़ का बेटर मैनेजमेंट भी आपका एक कंपोनेंट है स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी का, क्या कहते हैं, और इंप्लीमेंटिंग लोक वानिकी, लोक वानिकी आपका एक प्रोग्राम है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपको कहा गया है MP के फॉरेस्ट पॉलिसी में, लोकवाणी की जो प्रोजेक्ट है उसे भी इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, प्लस प्रायोरिटी देने के लिए कहा गया किसे, सोशल नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज, सोशल नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज शुड बी गिवन प्रायोरिटी अंडर द MP's न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 2005, सॉरी एक्ट नहीं, MP न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है। ठीक, तो मतलब लोकल कम्युनिटीज जो स्टे करती हैं फॉरेस्ट के अराउंड और फॉरेस्ट के अंदर उन्हें प्रायोरिटी देना चाहिए, एफर्ट्स लेने चाहिए किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शन जो है ना उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में उनके लिए भी एफर्ट लेने हैं, प्लस फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज एंड वुमेन के लिए भी एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के, सोशल एंड कल्चरल लिंकेज ऑफ दीज कम्युनिटीज विद फॉरेस्ट को भी एंश्योर करना, मतलब ऐसे ही फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स रहते हैं, ठीक, जो ट्राइब रहते हैं तो उनकी जो होती है आस्था जुड़ी रहती है, वो भगवान की तरह पूजते हैं फॉरेस्ट को, ठीक, ट्राइबल्स जो हैं वो पूजा करते हैं नेचर की, तो उनकी जो सोशल इकोनॉमिक है और कल्चरल लिंकेजेस है ना फॉरेस्ट को, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उनके सेंटिमेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो ये भी एक नेचुरल मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर एक वो है, प्लस इको टूरिज्म को डेवलप करना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, भाई फॉरेस्ट हैं तो उन्हें यूज़ करिए, पैसा कमाइए विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, सस्टेनेबल यूज़ कीजिए इको टूरिज्म, हर्बल हेल्थ के लिए मेडिकल टूरिज्म प्रमोट करिए आप, ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को आप जो टेक्निक है वो अप्लाई कीजिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करिए ए फॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस कैरी आउट करवाने के लिए। तो फॉरेस्ट पॉलिसी में हमने देखा 2005 में कि कई कंपोनेंट हैं, 1952 में सबसे पहले आई थी, फिर से एक बार मतलब आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछ सकता है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आपकी 2005 में है, एम क्या था, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूज़, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज स्टेट के यूज़ करके। ठीक, हाइलाइट्स क्या थी कि 1/3 आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए फॉरेस्ट एनवायरमेंट में, टिम्बर, फ्यूल वुड, बैम्बू, फॉडर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करके फॉरेस्ट बेस्ड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, 10% फॉरेस्ट एरिया जो है सिर्फ आपका टी क्या कहते हैं टीक टिम्बर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना, प्लस प्रोडक्शन नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स की भी इन्हेंस करना, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री प्रमोट करिए, एंश्योर बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिवेन्यू, प्रायोरिटी सोशल नीड्स को देना चाहिए, प्लस आपके जो ट्राइबल्स हैं जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके जो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी ध्यान देना चाहिए, उनका जो कल्चरल लिंकेजेस है उसको इंश्योर करिए, इको टूरिज्म मेंटेन करवाइए, हर्बल हेल्थ टूरिज्म मेंटेन करवाइए, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करवाइए किस लिए, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के लिए। ठीक, तो इतना आपका फॉरेस्ट पॉलिसी था, आगे चलते हैं।
जो कि यहाँ देखिए मेंशन है सब चीज़ें, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और फिर आते हैं आपके लोक वानिकी प्रोजेक्ट के बारे में। एमपी में ढेर सारे फॉरेस्ट के स्मॉल पैचेस हैं, ठीक, जो कि लोकल पीपल ओन किए रहते हैं। जैसे कि आप एक आदमी हैं तो आपके पास ऐसा लोकल है, ठीक, एक आदमी तो उनके पास ऐसा, एक आदमी इतना, तो इनका ये लोकल पैचेस हैं फॉरेस्ट के जो कि लोकल्स के पास पड़े रहते हैं। तो ये लोकल जो है ना, ये इसको इसकी इकोलॉजिकल वैल्यू को पहचानते हैं और क्या कहते हैं, इसे एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई उनका जो मोटो है वो एग्रीकल्चरल ही है, ठीक। तो इसी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ना एमपी गवर्नमेंट ने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लोक वानिकी। अब जैसे कि आपके पास लैंड तो आप उसे एग्रीकल्चर ही करेंगे, लेकिन उसकी जो मतलब जो फॉरेस्ट्री जो बेनिफिट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमपी वन ने लोकल वानिकी प्रोजेक्ट के अंडर एमपी ने गवर्नमेंट ने ना इन सारे पहचान मतलब कि फॉरेस्ट को पहले मतलब कहा है कि पहले आप इनको मॉनिटर करिए, इनको पहचानिए, इनको अपने अंडर में ले लीजिए, उसके बाद उसका फिर मल्टी टायर साइंटिफिक मैनेजमेंट करिए, ठीक। इस फॉरेस्ट का मल्टी टायर मतलब ढेर सारे टायर्स में डेवलप करिए, टायर वन टायर टू टायर, उसको और उसका मैनेजमेंट करिए, साइंटिफिकली मैनेज करिए उस फॉरेस्ट को, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका। तो ये लोक वानिकी प्रोजेक्ट में हमने देखा कि पायलट प्रोजेक्ट है, एमपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था 1999 में, मल्टी टायर फॉरेस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेटली ओन्ड फॉरेस्ट इसका एम है, ठीक। मल्टी टायर साइंटिफिक मैनेजमेंट ये प्राइवेटली ओन्ड फॉरेस्ट का इसका एम है, ठीक। अब आते हैं आपके मेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो कौन से मेन मेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं आपके मध्य प्रदेश के। तो पहला क्या है आपका, संजीवनी इंस्टीट्यूट हमने देखा भोपाल में है, किस लिए यूज़ करता है, मेडिसिन रिसर्च के लिए, ठीक। फिर इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आपका भोपाल में। फिर वन राजिक महाविद्यालय है आपका बालाघाट में, वन राजिक महाविद्यालय। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर है आपका बैतूल में, बैतूल में क्या है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर। उसके बाद है इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे, जबलपुर में, इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है जबलपुर में, पहली स्लाइड में बताया गया था, जो सबसे पहला लेक्चर है या दूसरे लेक्चर में प्रोमिनेंट जो साइट थे उसमें बताया गया था। फिर उसके बाद है स्टेट फॉरेस्ट स्कूल कहाँ कहाँ है, झबुआ, गोविंदपुर, बैतूल, शिवपुरी और अमरकंटक। कहाँ कहाँ, झबुआ, गोविंदपुर, बैतूल, शिवपुरी और अमरकंटक में। फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग आपका फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल कहाँ पर आपका अमरकंटक में है, लखनादौन में है, बैतूल में है, रीवा में है और शिवपुरी में। कहाँ कहाँ, अमरकंटक, लखनादौन, बैतूल, रीवा एंड शिवपुरी। फिर से देखेंगे, संजीवनी इंस्टीट्यूट आपका भोपाल में है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपका भोपाल में है, वन राजनीक महाविद्यालय आपका बालाघाट में है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर आपका बैतूल में है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जबलपुर में है, स्टेट फॉरेस्ट स्कूल आपका झबुआ में है, गोविंदपुर में है, बैतूल में है, शिवपुरी और अमरकंटक में है, फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल आपका कहाँ कहाँ है, अमरकंटक में, लखनादौन, बैतूल, रीवा और शिवपुरी में आपका जो है। मेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन देख लिया हमने, अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट देखेंगे हम एमपी में फॉरेस्ट रिलेटेड। तो एमपी की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी हमने देखा 1952 में आई थी, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आपकी 4 अप्रैल 2005 को आई थी, उसका एम देख लिया हमने। और क्या कहते हैं कि वेल्थी स्टेट है एमपी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सब्सिडरी फॉरेस्ट वेल्थ आपकी जो आती है तेंदू, लीव, लाखा, हरा गम, खैर, मैंगो, ये भी देखा है हमने, एरिया भी हमने देख लिया है, ठीक। और उसके बाद फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार 25.13% एमपी का लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर करता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 25.13% एमपी का जो लैंड एरिया है ना वो फॉरेस्ट के अंडर में आता है एज़ पर 2015 रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। और एक एमपी इकोनॉमिक असेसमेंट फिगर के अनुसार ये 30.71% है। तो जो भी पूछेगा, मान लीजिए कि इकोनॉमिक असेसमेंट के हिसाब से पूछता है तो आपको ये बताना पड़ेगा 30.71% है, और आपकी अगर फॉरेस्ट असेसमेंट के हिसाब से बताता है 25.13% है, ये याद रखिएगा, ठीक। एमपी इज इंडिया नेशनल फर्स्ट स्टेट टू बिंग 100% नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, पूरे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, 100% फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन कर दिया गया है, ठीक। कब किया गया था, 1970 में किया गया था। और तेंदू लीफ की जो प्रोडक्शन होता है ना 60% कंट्रीब्यूशन एमपी का होता है, पूरे भारत में जितना होता है ना उसका 60% जो है ना मध्य प्रदेश में कंट्रीब्यूशन, मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है एमपी में। प्लस एमपी जो है फर्स्ट स्टेट नेशनलाइज कर दिया उसने, तेंदू लीव्स को नेशनलाइज कर दिया और तेंदू लीव पॉलिसी बनाई है आपकी। तो क्या क्या देखा, तेंदू लीव को नेशनलाइज कर दिया है, तेंदू लीव पॉलिसी बनाई है, और 60% प्रोडक्शन जो है वो एमपी में ही होता है पूरे तेंदू लीव्स का, ठीक। तो तेंदू लीव पॉलिसी बनाई है कब, ताकि मिडिल मैन को हटाया जा सके, ये कब आई थी, 1988 में आपकी आई थी तेंदू लीव पॉलिसी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और ऑफ ऑल टीक ट्रीज इन कंट्री, एमपी में 41% टीक ट्री पाए जाते हैं, सारे टीक ट्री मतलब जितने भी टीक फॉरेस्ट हैं, टीक ट्रीज हैं एमपी मतलब पूरे भारत भर में, उसमें से 41% जो है ना सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बस ये जनरलाइज्ड फैक्ट है आपको बताना है, क्योंकि सारे फैक्ट तो बता ही दिए गए हैं आपको। और सारे सेल ट्रीज के मतलब पूरे भारत में अगर सेल ट्रीज देखे जाएँ SAL, तो उसमें भी ना एमपी 50% जो है वो एमपी में है, सारे सेल ट्रीज में
देखा जाए तो 50% मध्य प्रदेश में है, ठीक। और फिर उसके बाद फिर आपका देखा जाए कुछ बोरी वैली जो है हरदा में, किस लिए आपकी जानी जाती है बोरी वैली, तो ये पूछेगा आपकी बोरी वैली इज़ नोन फॉर टीक, टीक के लिए जानी जाती है, अपने टीक वुड के लिए जानी जाती है, आपकी हाई डेंसिटी के टीक वुड है, बोरी वुल हरदा में है आपका होशंगाबाद जिले में, तो बोरी वैली आपकी टीक के लिए जानी जाती है, हरदा में है, होशंगाबाद जो जिला है आपका वो है वहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। एमपी में नियरली 1,000,000 सैल ट्रीज हैं टू बी कट ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ सैल बोरर इंसेक्ट। ओह देखिए सैल बोरर इंसेक्ट के बारे में पूछ सकता है, एक इंसेक्ट होता है सैल बोरर जो कि पूरा क्या कहते हैं आपके सैल ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसके कारण जो है मध्य प्रदेश में 1,000,000 सैल ट्रीज काटने पड़ गए थे, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि बाकी जो है एमपी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आपका 1974 में आया था, ये भी देख लीजिए 1974 में आपका एमपी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था आपका 1974 में, ठीक। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम एमपी में कब चालू हुई थी, 1976 में, पहले ही देख लिए हैं, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम एमपी में 1976 में चालू हुई थी। एमपी फॉर एफॉरेस्टेशन पंचवन स्कीम, आपकी पंचवन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एमपी में, पंचवन स्कीम, ये किस लिए है, एफॉरेस्टेशन के लिए, मतलब वृक्ष रोपने के लिए, वृक्ष को मतलब लगाने के लिए ये पंचवन स्कीम आपकी एमपी में लॉन्च की गई थी, कब, 1976 में, ठीक, ताकि फॉरेस्ट कवर को 33% तक ले जाए, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का एक इनिशिएटिव था, ठीक। एमपी फॉरेस्ट्री स्कीम आपकी कब लॉन्च की गई थी आपकी, सॉरी एमपी, देखिए सब इंपॉर्टेंट फैक्ट जनरलाइज टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा, नोट कर लीजिएगा आप एक जगह, कुछ एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एमपी फॉरेस्ट्री स्कीम आपकी 1995 में आई थी, ठीक। स्टेट फॉरेस्ट स्कूल हमने देखा कहाँ कहाँ थे, शिवपुरी में था आपका, और झबुआ, गोविंदपुर, बैतूल, अमरकंटक में था, ये देख चुके हैं हम। वन राजिक महाविद्यालय जो है आपका, वन राजिक महाविद्यालय ये आपका कहाँ पे है, बालाघाट में है, ठीक। वन राजिक महाविद्यालय आपका बालाघाट में है, ओपन किया गया था 1969 में, 1979 में, ठीक। आपका क्या, वन राजिक महाविद्यालय। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बताया चुका है आपको पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में बताया गया है, भोपाल में है आपका, ठीक। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया गया है देहरादून में है, और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई एमपी में, कब, 5 जून 1981 को बनाई गई थी आपकी, क्या, इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईपीसीओ, लिख लीजिए अगर आपको याद ना हो तो, ईपीसीओ आपकी बनाई गई थी मध्य प्रदेश में, कब, 1981 में, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपका सेटअप किया गया था भोपाल में, देखिए परेशान होते, ये कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 19 नवंबर 1987 को आपका डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया था भोपाल में। एमपी लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी आपकी कब आई थी, 2004 में आई थी आपकी एमपी लेक कंजर्वेशन, लेक्स की कंजर्वेशन के लिए अथॉरिटी। एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड आपका कब बना था, 12 जुलाई 2005 को बनाया गया था। सब जर्नलाइज्ड, कुछ भी पूछने के ऐसे कोई चांसेस नहीं है, बस जानते रहिए बस। गवर्नमेंट जो है वो लैक मेकिंग फैक्ट्री बनाई है, कहाँ पे, लैक, लैक उमरिया, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लैक मेकिंग फैक्ट्री आपकी कहाँ इस्टेब्लिश की गई है, उमरिया में। एमपी जो है सेकंड रैंक पे है झारखंड के बाद, इन कंट्री आफ्टर झारखंड, इन सेकंड इन द कंट्री आफ्टर झारखंड इन लैक पॉपुलेशन, जो लैक आपके प्रोडक्शन में। और जबलपुर जो है उसे मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं कि इतने फैक्ट जो हैं आप स्लाइड में मेंशन क्यों नहीं कर सकते थे, आपको बता देना चाहिए था, तो इसलिए ही नहीं मेंशन कर रहा हूँ। मैंगो आपका है, और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है जबलपुर को, ठीक। पन्ना जो है वो आमला के लिए आपका यूज़ होता है, सब इसमें मेंशनड है, देखिए सब, परेशान मत होइएगा, ठीक। पन्ना जो है आपका आमला के लिए है आपका, ठीक, और रतलाम जो है वो ग्रेप्स के लिए है, तो इसलिए एक ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है रतलाम में, तो ये याद रखिएगा ग्रेप्स में है, ठीक। आपका बैतूल जो है ज़िला आपका ऑरेंजेस के लिए जाना जाता है, संतरों के लिए, बैतूल, नागपुर को तो संतरा सिटी कहते हैं, ऑरेंजेस के लिए जाना जाता है, ठीक। प्लस आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस एरिया में है, किस ज़िले में है, बालाघाट में है, हम जानते हैं, देख चुके हैं हम। और लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया आपका शाहजहाँपुर में लोवेस्ट है आपका, और बालाघाट में हाईएस्ट है आपका, फिर रिवाइज करवा दूंगा। प्लस आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आपका एमपी का, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है एमपी का, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो है वो फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है आपका एमपी का, ठीक। सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है आपका एमपी का, अमरकंटक अचरकमर बायोस्फीयर रिजर्व, कौन कौन सा, अमरकंटक
अचर कमर बायोस्फीयर रिजर्व। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका पंचमढ़ी और सेकंड है अमरकंटक अचक कमर बायोस्फीयर रिजर्व, आपका सेकंड एमपी का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, थ्री बायोस्फीयर रिजर्व है एमपी में, कौन कौन से, आपका पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी 1999 में बना है, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा तीन डिस्ट्रिक्ट में है आपका आता है पंचमढ़ी। आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है पंचमढ़ी, आपका बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, ये तीन डिस्ट्रिक्ट में आपका है पंचमढ़ी, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद। अमरकंटक और अचरकमार आपका कौन कौन से में आता है, अमरकंटक ए जिसे कहा जाता है, अमरकंटक अचरकमार आपका अनूपपुर में आता है और डिंडोरी में आता है, ठीक, और पन्ना आपका पन्ना और छतरपुर में आता है। तो तीन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंशनड है और मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए ये कि जो तीन इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रीजन हैं एमपी के, अभी नेशनल फॉरेस्ट और बायोस्फीयर रीजन में हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि पंचमढ़ी है, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, अमरकंटक अचरकमार आपका जो है वो 2005 में बनाया गया था, दिंदोड़ी और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है पन्ना, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पंचमढ़ी एंड अमरकंटक को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, ठीक, पंचमढ़ी और अमरकंटक जो है आपका प्लेट्यू जो है इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के अधीन रखा गया, यूनेस्को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के अंदर रखा गया। तो एक बार सारी चीज़ें फिर से दोहराएंगे क्योंकि थोड़े क्रिटिकल फैक्ट थे, कि हमने देखा कि एमपी की फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1952 में आई थी, ठीक, उसके बाद एमपी फॉरेस्ट पॉलिसी नई वाली 4 अप्रैल को आई थी, ठीक, तो ये सब तो हमने देखा था। कुछ यहाँ पे हमने देखा देखना था हमें कि एमपी की फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार 25.13% आपका क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट लैंड एरिया है, प्लस एमपी इकोनॉमिक असेसमेंट के हिसाब से 30.171%। तो अगर पूछ लेगा आपसे कि अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2015 MP 25, तो एमपी लैंड एरिया इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट, तो कितना, तो 25.13 बताना पड़ेगा। अगर सेम चीज़ पूछता है कि अकॉर्डिंग टू एमपी इकोनॉमिक असेसमेंट, तो 30.17। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन वाला सब आपका मेंशन है इसमें, सेल बोरर टीक इंसेट के बारे में, तेंदुलेही पॉलिसी के बारे में मेंशन है, कब आई थी आपकी तेंदुलेही पॉलिसी, 1988 में आई थी, 1988 में आपकी एंड कर दी गई थी, नहीं नहीं आपकी तेंदुलेही पॉलिसी आई थी आपकी, उसके बाद आपका तेंदुलीव जो है 60% तेंदुलीव जो है एमपी में ही प्रोड्यूस होता है, देख लिया हमने। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1970 में हुआ था फॉरेस्ट का, ठीक। सगौन की जो लकड़ी है टीक की, उसमें सबसे ज़्यादा 41% तो सिर्फ एमपी में होती है, सेम विद सेल भी है, 50% सेल की है। फिर सेल बोरर इंसेट के बारे में आपको जाना चाहिए, बोरी वैली के बारे में आपने जाना होगा कि बोरी वैली जो है हरदा डिस्ट्रिक्ट में टीक फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है, ठीक। एमपी वाइल्ड लाइफ एक्ट का पास किया गया था 1974 में, सोशल फॉरेस्ट स्कीम 1976 में, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बालाघाट में है, लोवेस्ट शाजापुर में है, जबलपुर को मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, पन्ना को आंवला डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, रतलाम को ग्रेप डिस्ट्रिक्ट, बैतूल को ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट एंड शिवपुर को 50% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर में आता है, बालाघाट और शिवपुर ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 50% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और सेकंड आपका कौन सा है, अचरकमर और अमरकंटक प्लेटू आपका सेकंड है। प्लस आपका कुछ जो ये हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट स्कीम्स एमपी की कब आई थी, 1976 में आई थी, और उसके बाद एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 24 जुलाई 1975 को बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट हमने पहले भी देख लिए हैं। और कुछ आपके क्या कहते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया वन राजिक महाविद्यालय आपका बालाघाट में है, वन राजिक हमने देखा था, वन राजिक महाविद्यालय आपका, महाविद्यालय आपका कहाँ पे है, बालाघाट में है, 1979 को आया था आपका, स्थापित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका भोपाल में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, ठीक। और फिर आपका एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन आपकी कब आई थी, 5 जून 1981 को आई थी। एमपी लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनाई गई है, 2004 में आपकी एमपी की लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक, सॉरी। उसके बाद आपका एमपी जो है सेकंड नंबर पे है, ये आपको पता ही होगा। कत्था जो है ना आपका, कत्था इज मेड फ्रॉम खैर इन वनमोर एंड शिवपुरी, कत्था जो आपका पान में यूज होता है, कत्था ये कौन से पेड़ से आता है, खैर, और कहाँ पे बनाया जाता है, वनमोर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आपके, वनमोर एंड शिवपुरी, ठीक। तो ये है आपका, बाकी सारे फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये लास्ट कुछ फैक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया आपका कौन सा है, शाजापुर, उज्जैन और रतलाम, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं आपके क्रमानुसार जो हैं, सबसे जो कम है शाजापुर में, फिर उससे ज़्यादा उज्जैन में, फिर उससे ज़्यादा रतलाम में। और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं आपके, बालाघाट है सबसे ज़्यादा 54.14%, शिवपुर है आपका 53.30%, और उमरिया है आपका 49.90% आपका, ये आपका क्या कहते हैं कि उमरिया है। तो
लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा, सबसे कम उज्जैन शाहजहाँपुर में है, फिर उज्जैन में, रतलाम में, और हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बालाघाट में, श्योपुर में है और उमरिया में है। ठीक, तो फिर यहाँ पे ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।